अभी तक 2 सेक्टर लगाए हैं। आप फ्री में भी दीजिएगा तो लोग लगवाएगा, यहाँ ले पैसा के डर से नहीं लगाता। 6% ब्रिज से भी आ रहा है, अब कागज पर है वो 4% होगा बचल। गांव में तो लगाते हैं। पेड़ पौधा लगाए? हाँ बिल्कुल लगाए। कितना पेड़ पौधा लगाए? बहुत लगाए हैं हम लोग, अपने घर द्वार में भी लगाए हैं, बहुत लगाए हैं। कुछ फायदा मिल रहा है? बहुत फायदा, उससे ऑक्सीजन मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मेरा नाम आनंद है, आज मैं पटना जंक्शन के पास में मौजूद हूँ और आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आइए लोगों से, पटना के लोगों से हम जानते हैं कि पृथ्वी दिवस के बारे में क्या लोग जानते हैं, लोगों के क्या राय है, चलिए जानते हैं कैसे मनाया जाता है। स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब जो है, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। घास वृक्ष लगाना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, यही सब और क्या आवश्यक है, तब ना स्वच्छ रहेगा। आज 22 अप्रैल है, पृथ्वी दिवस है, आप क्या कहेंगे? पेड़ पौधा लगाने से बहुत अच्छा होता है, इससे वर्षा होती है, जल जीवन अच्छा होता है। पेड़ पौधा लगाते हैं? जी हाँ लगाते हैं। कितना पेड़ अभी तक लगाए? अभी तक 200 पेड़ लगाए। 200 पेड़ लगा लिए? हाँ। हेलो, हाँ आप पृथ्वी दिवस को किस रूप में देखते हैं? अच्छे अच्छे ढंग से देखते हैं। दिवस है, कैसे आप देखते हैं? पृथ्वी दिवस तो ठीक है, एसी चलाइएगा तो ये तो ग्लोबल वार्मिंग होगा ही, वही है। गाछ पेड़ पौधा लगाते हैं? पेड़ पौधा तो गांव में हम लगाए हैं, पर यहाँ तो शहर में कुछ पेड़ पौधा है ही नहीं। इसके जो है सरकार कुछ व्यू होना चाहिए ना कि भाई पेड़ पौधा आप लगा सकते हैं, हैं आप फ्री में भी दीजिएगा तो लोग लगवाएगा, यहाँ ले पैसा के डर से नहीं लगाता। 6% ब्रिज है बिहार में, अब कागज पर है वो 4% होगा बचल। हैं तो गाँव में तो लगाते हैं, हम भी बहुत सारा पेड़ लगाए। पृथ्वी दिवस किस रूप में देखते हैं? पृथ्वी दिवस तो नॉर्मल जैसा देख रहे हैं और क्या। अरे जो है करना सो कीजिएगा, उससे पृथ्वी दिवस मनाने का लोग मनाते हैं तो फेस्टिवल जैसा मनाते हैं। लोग कहते हैं गाछ लगा रहे हैं, गाछ लगाने से क्या हो? मतलब उसका थी, एक वो गाछ लगाइएगा 10 आदमी मिलकर लगा दीजिएगा, उससे क्या होगा? देखते हैं। पृथ्वी दिवस पे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। पेड़ पौधे आप लगाते हैं? हमने काफ़ी लगाया है मैंने, और कितना पेड़ लगाया अब तक? कम से कम 10 पेड़ तो लगाए हैं हम। 10 पेड़ लगा लिए? हाँ, और काफ़ी बड़े भी हैं, मतलब 25-30 साल पहले से लगा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। और विशेष ओकेजन्स पे और लोगों से भी अपील करता हूँ कि सभी लगाएं। पृथ्वी दिवस को आप किस रूप में देखते हैं? पृथ्वी दिवस को चाहते हैं कि अब ऐसी हम लोग धरती को रखें कि आगे वाले सभी जनरेशन जो है प्रकृति को सही रूप से एंजॉय करें और प्रकृति के साथ चलें। पृथ्वी दिवस अर्थ को ऐसे सेव करना चाहिए हम लोग को, और क्या, पॉल्यूशन नहीं होने देना चाहिए। पेड़ पौधे लगाते हैं? गांव जा रहे हैं तो गांव पे तो है ही, लगाते ही हैं, बगान है हम लोग। अब तक कितना पेड़ पौधे लगाए हैं? ये हम लोग, हम तो ऐसे 1, 2, 3, 4 लगाए होंगे। 2, 3, 4 लगाए। पौधा लगाने से क्या कुछ फायदा होता है? बहुत फायदा होता है। क्या फायदा? लगाना चाहिए। क्या फायदा होता है? सबको पर्यावरण सबसे पहले सबसे अच्छा होता है, मतलब एयर पोल्यूशन का खतरा कम होता है। तो सर पेड़ पौधा लगाना चाहिए और क्या, पेड़ पौधा लगाने से। पेड़ पौधा लगाए हैं? हाँ बिल्कुल लगाए। कितना पेड़ पौधा लगाए? बहुत लगाए हैं हम लोग, अपने घर द्वार में भी लगाए हैं, बहुत लगाए हैं। उससे कुछ फायदा मिल रहा है? बहुत फायदा, उससे ऑक्सीजन मिलता है। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ पौधा लगाए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। आप किस रूप में देखते हैं पृथ्वी दिवस को? पृथ्वी, देखिए पृथ्वी दिवस को हम बहुत बढ़िया बढ़िया रूप में देखते हैं, इसलिए कि पहले तो बहुत सा अथी था कि पेड़ पौधा काटता था, अब सरकार भी बोल रहा है कि पेड़ पौधा लगा दीजिए, तो उसके तरफ से भी, और हम लोग भी पेड़ काटते नहीं और लगाते हैं, और किसी दूसरे को भी बोलते हैं कि पेड़ पौधा लगाइए। बहुत खुशी में है। पेड़ पौधा लगाते हैं? हाँ पेड़ पौधा लगाते हैं। अब तक कितने पेड़ पौधा लगाए हैं? अब तक पेड़ पौधा 10-20 को 50 को लगा दिए हैं। कुछ उससे फायदा हो रहा है? हाँ अच्छा, फल फूल होता है और हरियाली होता है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे पृथ्वी दिवस को लेकर?
संदेश देना चाहेंगे कि पेड़ पौधा लगाओ, हरे भरे बना देश अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। तो जैसा कि आपने देखा, पटना के लोगों को साफ तौर से कहना है कि पृथ्वी दिवस के अवसर पे लोगों को साफ तौर से कहना है कि पेड़ पौधा लगाइए, उससे हम लोग को शुद्ध वातावरण मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24।